Today we are going to solve the question for this civil engineering. तो इसमें जो पहला subject है वो हमने strength of material को लिया है. तो strength of material में सबसे पहला जो topic है that is simple stress strain and elastic constant. तो इस topic में हम question solve करेंगे. तो फिर उससे हमारे concepts भी clear हो जाएंगे. तो जो पहला question है without wasting your time we are going to start. जो पहला question आपके सामने बोर्ड पे है ए कॉपर बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एज शोन इन फिगर बिलो. ये जो फिगर है ये वहीं से क्वेश्चन में देकर है और ये बोल रहा है कि इस फिगर पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं. पूछ रहा है क्वेश्चन विच पॉइंट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन आफ्टर लोडिंग. तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा लोड लगने के बाद. पहला ऑप्शन है बी ओनली, दूसरा ऑप्शन है सी ओनली, तीसरा ऑप्शन है बी एंड सी ओनली, चौथा ऑप्शन है डी ओनली. अब पहले आपको समझना है इस चीज को कि ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में. देखिए एक्चुअली जो भी हम पढ़ते हैं इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन में, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ. तो इसका मतलब है जब डेल्टा एल जीरो के बराबर होगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम डेल्टा एल किस फॉर्मूले से निकालें. आपको पता है एक कंसेप्ट दैट इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो यहां से हम निकालते हैं ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. आपको पता है जो स्ट्रेस होता है वो बराबर होता है लोड पर यूनिट एरिया और जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो यहां से हम निकाल सकते हैं डेल्टा एल का वैल्यू. आप देख सकते हैं डेल्टा एल आ गया इसमें, तो डेल्टा एल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं पी एल बाई ए. तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. ये पूछ रहा है कि डेल्टा एल किन पॉइंट, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर डेल्टा एल का वैल्यू जीरो होगा. तो सबसे पहले हम डेल्टा एल निकालने की कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट पे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पी चाहिए, एल चाहिए, ए चाहिए और ई चाहिए. देखिए जो पी है वो हमें निकालना है, वो दिया नहीं है. उसके बाद एल हर एक पॉइंट का दिया हुआ है, मतलब ए बी का, ए बी लेंथ का, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, सी डी की लेंथ दी है. उसके बाद एरिया जो है वो भी दिया है पूरे क्रॉस सेक्शन का, दैट इज 1000 mm स्क्वायर. और ई जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो अब सबसे पहले हम पी निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, दैट इज पी एल बाई ए. अब देखिए हमें पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट पे जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ सी डी से, तो हमने इसके बीच में एक सेक्शन लेना है और देखना है और इसकी लेंथ कितनी है 12, एक्चुअली ये 1200 है, 1200 mm स्क्वायर, 1200 mm. ओके, तो इसकी लेंथ जो है वो 1200 है. तो अब हमें देखना है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस है, क्योंकि हमें नेट फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे. पहले हम पॉइंट सी पे निकालेंगे. अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे हम लिखेंगे पी फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट में. ठीक है, इस सेक्शन के लेफ्ट में, दैट मीन्स यहां से देखो जो भी टेंशन फोर्स होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव फोर्स होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं. तो आप देख सकते हैं जो अवे होगी जो फोर्स, दैट इज टेंसाइल फोर्स, जो टूवर्ड्स द सेक्शन होगी दैट इज कंप्रेसिव फोर्स. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टेंशन यहाँ पे 50 किलो न्यूटन अवे लग रही है, तो दैट मीन्स टेंसाइल तो पॉजिटिव लेंगे. उसके बाद 80 किलो न्यूटन टूवर्ड्स द सेक्शन तो माइनस 80, और जो 20 है वो अवे फ्रॉम द सेक्शन है तो -20. अवे फ्रॉम द सेक्शन है सॉरी, वो टेंसाइल फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे. 50 और 20 है 70 माइनस 10, तो -10 किलो न्यूटन. आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में -10 लग रही है तो अवे लग रही है, तो इसके राइट साइड में क्या लग रही है, +10 किलो न्यूटन. इसका मतलब है हमें पी एट सी डी मिल गया, दैट इज 10 किलो न्यूटन फोर्स एट सी डी, दैट इज 10 किलो न्यूटन.
अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, पी के बदले 10 लिखिए, एल के बदले 1200 लिखिए और डिवाइड बाई ए ऐसे ही रखें, दैट इज 12,000 डिवाइड बाई ए। ये हमें डेल्टा एल का वैल्यू निकल गया, दैट मीन सी डी पे आप देख सकते हो, मतलब डी पॉइंट पे आप बोल सकते हो, दैट मीन इसका कुछ वैल्यू है। यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू जीरो नहीं है तो हमारा डी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो हम इस ऑप्शन को क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं ए बी पे, आप बी पे देखिए, पी एट बी, तो आपको पता है जो बी सेक्शन पे है इस पे कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे इस साइड से 80 लग रही है, ठीक है। अगर हम सेक्शन लेंगे इस ए बी के बीच में, अब लीजिए सेक्शन ए बी के बीच में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से लग रही है 50 और यहां से लग रही है 80, तो होगा 50, पी का वैल्यू एट बी वो कितना होगा 50। तो अब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, दैट इज 50 × 600 डिवाइड बाई ए, ये हो जाएगा आपका 30,000 डिवाइड बाई ए। ये आंसर आया किसका, फोर्स एट बी। अब सी पे देखिए, फोर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें पता होगा डेल्टा एल, ये डेल्टा एल एट बी आया है, डेल्टा एल एट बी प्लस डेल्टा एल एट सी। डेल्टा एल एट बी हमने अभी निकाला 30,000 डिवाइड बाय ए, प्लस डेल्टा एल एट सी निकालिए। देखिए जब आप सी के लेफ्ट एंड में देखेंगे, यहां से 50 लग रहा है, यहां पे 50 लग रहा है, वो क्या है टेंसाइल, प्लस माइनस लग रहा है कंप्रेसिव, दैट इज 80, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स लगेगी 30 किलो न्यूटन, वो भी माइनस, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 30 × 1000, दैट इज 30,000, लेंथ है 30,000, देखिए लेंथ है 1000 डिवाइड बाई ए। तो आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमें क्या मिलेगी, डेल्टा एल एट सी हमें क्या मिल रहा है, जीरो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सी ऑनली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बार इज स्ट्रेच्ड इन सच ए मैनर दैट ऑल द लेटरल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड, द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड म्यू इज ओके। तो गाइस आपको एक क्वेश्चन पहले समझना है, देखिए ये पूछ क्या रहा है कि जो भी लेटरल स्ट्रेन है उनको हम प्रिवेंट करते हैं, मतलब लेटरल स्ट्रेन प्रिवेंट करने का मतलब दैट मीन कोई भी लेटरल स्ट्रेन उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें बताना है कि क्या रिलेशन होगी ई और म्यू के बीच में। आपको पता है जब लेटरल स्ट्रेन ही नहीं होगा, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला, पॉइजन रेशियो डिनोटेड बाय म्यू, ये होता है बराबर माइनस टाइम्स लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको पता है लेटरल स्ट्रेन प्रिवेंटेड का मतलब लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू जीरो होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा तो म्यू का वैल्यू भी कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन इज सी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल इलॉन्गेशन ऑफ ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल प्रोड्यूस्ड अंडर इट्स ओन वेट टू द इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल लोड इक्वल टू वेट ऑफ द बार इज। तो आप देखिए टोटल इलॉन्गेशन के लिए यू नो वेरी वेल के फॉर्मूलेज होते हैं, तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन दोज फॉर्मूलेज एंड तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको पता है दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है टोटल इलॉन्गेशन, अगर हमारी कोई भी बार है अंडर इट्स ओन वेट
जो इलोंगेशन होगी इस बार में, अगर इस बार का वेट जो है वो हम एज्यूम करते हैं W, तो इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट वो फॉर्मूला होता है WL अपॉन 2AE। अगर सेम बार है उसका वेट W है लेकिन हम एक्सटर्नल लोड भी लगा रहे हैं P, तब इलोंगेशन जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है WL अपॉन AE। तो ये जो फॉर्मूले हैं यू हैव टू रिमेम्बर दीज टू। तो यही पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा। वन से डिनोट करेंगे इसको, हम डेल्टा टू से डिनोट करेंगे इलोंगेशन। ओके, ये पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा। डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा टू इक्वल टू, देखिए डेल्टा वन आप लिखिए WL अपॉन 2AE, डेल्टा टू लिखिए आप WL अपॉन AE। तो WL से AE से AE से कैंसिल, WL अपॉन 2AE इंटू AE रेसिप्रोकल हो जाएगा माई WL, ये और ये कैंसिल ये और ये, तो इनका रेशियो जो आएगा वो आएगा 1/2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ क्या रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फिक्स्ड स्पोर्ट, दिस इज एक्चुअली अ फिक्स्ड स्पोर्ट, द फोर्स 5P इज टू बी अप्लाइड सो दैट नेट ओवरऑल चेंज इन लेंथ ऑफ बार इज 0, एक्चुअल रिजिडिटी ऑफ बार इज कॉन्स्टेंट। पूछ रहा है इस एक्स का वैल्यू बताइए कि जब नेट ओवरऑल चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, नेट ओवरऑल चेंज इन लेंथ का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल पूरे पूरे जो भी बार है इसमें किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, डेल्टा एल नेट। तो आपको पता है कि ये डेल्टा एल नेट 0 के बराबर का मतलब होता है डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाए, सेम यह कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब निकालिए डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल ए बी जब हम निकालेंगे वो होगा पी ए बी एल ए बी डिवाइड बाय ए ई प्लस पी बी सी एल बी सी डिवाइड बाय ए प्लस पी सी डी एल सी डी डिवाइड बाई ए। तो आप निकालिए पी ए बी, देखिए पी ए बी आराम से आप निकाल सकते हैं जब सेक्शन लेंगे। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फोर्स कौन सा है, 4P, वो भी टेंसाइल, तो मतलब पी का वैल्यू 4P आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, ये आप आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जिसको अभी भी नहीं आता है ये निकालना फोर्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरूर देखें आप, यहाँ पे 4P आएगा इंटू लेंथ ऑफ ए बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर, वहीं से देख रहा है डिवाइड बाई ए, ये एक्चुअल रिजिडिटी ए ही होता है, एक्चुअल रिजिडिटी, एक्चुअल रिजिडिटी ये याद रखिए, कभी कभी जेई के एग्जाम में ये भी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्चुअल रिजिडिटी, तो ए आप याद रखेंगे इसको बोलते हैं एक्चुअल रिजिडिटी, ये कॉन्स्टेंट है ए। ओके क्वेश्चन में वहीं से दिया एक्चुअल रिजिडिटी ऑफ बार इज कॉन्स्टेंट। तो प्लस आप निकालिए पी ऑफ बी सी, पी ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे, सेक्शन लेंगे आप बी और सी के बीच में और लेफ्ट और राइट साइड में जहां पे आपको इजी लगे वहां पे आप देखें नेट फोर्स कितना है। देखिए मैं लेफ्ट साइड में मुझे इजी है इसलिए मैं देख रहा हूँ 4P इस साइड से जा रहा है, दैट मीन 4P है टेंसाइल पॉजिटिव आएगा और 5P है कंप्रेसिव माइनस आएगा 5P, तो 4P माइनस 5 माइनस पी, दैट मीन्स प्लस के बदले हम लिखेंगे माइनस पी एल बी सी की लेंथ, देखिए किस किसके बराबर है, बी सी है 2L/3 है यहां से ए टू सी, माइनस एक्स करेंगे हम इसको, दैट इज 2L/3 माइनस एक्स करेंगे तो वो बी सी की डिस्टेंस आएगी कहां से, ए से, तो वो आएगी बी सी की डिस्टेंस। उसके बाद पी ऑफ सी डी, सी डी देखिए आप एक साइड से देखिए राइट साइड देखिए सी डी के, ए की फोर्स है वहां से 3P इजी है आपके लिए,
वो भी कंप्रेसिव तो माइनस आएगा, माइनस थ्री पी, माइनस थ्री पी इंटू लेंथ किसके बराबर है इसकी, एल बाई थ्री वाइन से देख रहा है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई ए. तो देखिए आप हर एक जगह ये पी और ए, पी डिवाइड बाई ए, ये आप कॉमन निकालिए और जब उस साइड जाएगा ये होगा जीरो के बराबर, क्योंकि डेल्टा एल नेट किसके बराबर है, जीरो के बराबर. तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सारा जीरो हो जाएगा, पी अपॉन ए जब आप राइट साइड में लेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा. तो क्या क्या बचेगा, यहां पे हमें बचेगा 4x माइनस 2l बाई थ्री माइनस एक्स, और माइनस बचेगा यहां पे 3l बाई थ्री, मतलब l बचेगा खाली, 3l बाई थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो l बचेगा. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आपको निकल के आएगा दैट विल बी l बाई थ्री. ये सिंपल सी इक्वेशन है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज x इक्वल टू l बाई थ्री है. फाइव हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ए माइल्ड स्टील बार इज इन थ्री पार्ट्स ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डायमीटर ऑफ पार्ट ए बी, बी सी एंड सी डी आर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 4 टन एज शोन इन फिगर. इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस एंड इलोंगेशन इन 3 पार्ट्स ऑफ द बार आर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, देन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट ऑफ दीज इलोंगेशन विल बी. देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल चीज पूछ रहा है कि आपको रेशियो बताना है ग्रेटेस्ट इलोंगेशन और लीस्ट इलोंगेशन, इनके बीच का रेशियो बताना है. तो ये फिगर आपके क्वेश्चन में देकर है और इसका जो ए बी पोर्शन का जो डाया है दैट इज 2 सेंटीमीटर, बी सी का 1 सेंटीमीटर और सी डी का 3 सेंटीमीटर. अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1-2 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया दैट इज डेल्टा किसके बराबर होता है, पी एल अपॉन ए ई. तो आप निकाल सकते हैं इसको, हम अगर डेल्टा 1 से डिनोट करेंगे ए पोर्शन को, हम लिख सकते हैं इसको ए पोर्शन, डेल्टा 1 इज ए पोर्शन ए बी पोर्शन. डेल्टा 2 हम बोलेंगे बी सी जो पोर्शन है इसमें जो इलोंगेशन है डेल्टा 2 आ रही है, और डेल्टा 3 जो है इलोंगेशन वो सी डी पोर्शन में आ रही है. तो निकालिए डेल्टा 1, आपको फॉर्मूला पता है, आप निकाल सकते हैं पी एल, ऐसे ही रखें आप पी एल अपॉन ए, खाली ए जो है वो चेंज होता है. देखिए जो डायमीटर है इस बार का वो है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 4 इंटू ई. तो डेल्टा 2 आपको निकालना है, ये डेल्टा 1 निकल गया वो हो गया बराबर पी 4 पी एल, 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई पाई इंटू 4 इंटू ई. ओके, तो डेल्टा 2 आपका किसके बराबर निकलेगा, पी एल अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी है 1 स्क्वायर तो वो हो जाएगा 1 ई इंटू ई. डेल्टा 3 आपका निकलेगा पी इंटू एल अपॉन, मतलब सी डी पोर्शन का, डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी है 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू 9 इंटू ई. अब आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट और लोएस्ट इलोंगेशन किसके बीच में होगी. देखिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे जिसका ज्यादा डायमीटर होगा उसमें सबसे कम इलोंगेशन होगी. देखो डायमीटर ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस सबसे कम इलोंगेशन इसमें होगी डेल्टा 3 में, क्योंकि सबसे ज्यादा डायमीटर इसका है डेल्टा 2 का, तो इसमें होगी मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन. तो आप निकाल सकते हैं, आप जब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में देखेंगे इसका जो वैल्यू आ रहा है वो सबसे कम आ रहा है डिनोमिनेटर में, दैट मींस डेल्टा 2 जो है वो मैक्सिमम इलोंगेशन देगा. तो जब आप मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम इलोंगेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है दैट इज 9. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए.
जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 9. सिक्स वी आर गोइंग टू सॉल्व. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्टील बार ऑफ 2 मीटर लेंथ इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. एक बार है स्टील की, उसको हम फिक्स कर रहे हैं दोनों एंड से, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर है उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस. द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज, अल्फा का वैल्यू दे रहा है ये 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस यूनिट होता है अल्फा का. एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई का वैल्यू भी दे रहा है वहीं से 2 × 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बोल रहा है इफ द टेम्परेचर इज चेंज टू 18 डिग्री सेल्सियस देन द बार विल एक्सपीरियंस स्ट्रेस ऑफ. कितना स्ट्रेस इस बार में आएगा अगर हम टेम्परेचर 20 से 18 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे? तो पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 24 दैट इज कंप्रेसिव, तीसरा ऑप्शन है 44 टेंसाइल, चौथा ऑप्शन है 44 कंप्रेसिव. देखिए ऑप्शंस बिल्कुल लगभग सिमिलर हैं दो दो, तो आप इसमें कोई भी गैस नहीं, एक्चुअली दिस इज 22 गैस नहीं लगा सकते. सबसे पहले आपको समझना होगा इस बार में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा या टेंसाइल स्ट्रेस आएगा. देखिए टेम्परेचर जो है वो दोनों एंड से ये बार फिक्स्ड है, टेम्परेचर पहले 20 था, अब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बार जो है इस बार में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा. सबसे पहला जो हमें, सबसे पहली चीज जो समझ नहीं हमें, दैट इस बार में कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर. स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, टेम्परेचर कम करने की वजह से, और जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल होगा क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम किया है. तो उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा. आपको पता है कि टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा टेम्परेचर किसके बराबर होता है, ई अल्फा डेल्टा टी. ई का वैल्यू आपको दिया है वहीं से 2 × 10⁻⁶. अल्फा का भी वैल्यू दिया है 11 × 10⁻⁶. डेल्टा टी आपका पहला जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है 20, जब आप इसने टेम्परेचर को कम किया दैट वाज 18 डिग्री सेल्सियस दैट इज 2. ओके दिस विल बी 22. अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 × 2 दैट इज 44. अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 × 10⁻⁶. ओके तो 2 × 10⁻⁶ जब हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन में वहीं से देख रहा है, तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बदले लिखेंगे 2 × 10⁻⁶, अल्फा के बदले लिखेंगे आप 11 × 10⁻⁶, और डेल्टा टी है पहले टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर 20 था, अब है टेम्परेचर आपका 18, दैट मीन 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो चेंज हो गया. तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा 44, ये और ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, आपको 44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका स्ट्रेस का वैल्यू होता है, ठीक है. तो ये क्या आएगा, टेंसाइल, क्योंकि आपको पहले ही पता है आपने टेम्परेचर कम किया तो स्ट्रेस इंड्यूस कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस. तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब इसमें एक चीज समझनी है, एक कंसेप्ट ये है कि जो टेम्परेचर स्ट्रेस होता है, आप नोट करके नीचे लिख सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ बार. देखिए ये टेम्परेचर स्ट्रेस है ना, ये लेंथ ऑफ बार पे डिपेंड नहीं करता है, आप फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ ऑफ बार नहीं देखेंगे. अगर आप चेंज इन लेंथ निकालेंगे डेल्टा एल, वो का बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, ये आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपका, टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला ई अल्फा डेल्टा टी. अगर आपको चेंज इन लेंथ पूछा है क्वेश्चन में, वो होता है बराबर, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एल अल्फा डेल्टा टी. आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, सो टेक केयर, बाय बाय.